में से कुछ लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि मैं बहुत एफर्ट करता हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ लाइफ में, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता, और जो मेरे साथ वाला है या फिर आसपास के लोग हैं वो तो बहुत इजीली उनको मिल जाता है. लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट है और वो कहते हैं कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे उतने अच्छे स्कोर्स नहीं आते, लेकिन जो मेरा साथ वाला है या मेरा फ्रेंड है उसके तो बहुत अच्छे स्कोर्स आते हैं. सेम इन द बिजनेस, सेम एवरीवेयर. इफ़ वी टॉक अबाउट कि हम कहते हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, हम तो जिम जाते हैं, हम तो डाइट फॉलो करते हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट हैपनिंग. उस तरह से नहीं हो रहा जैसे उसका होता है. वो जो जिम में आता है उसका तो मैंने देखा है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या फिर कोई और जो डाइट फॉलो कर रहा है उसका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है. सो व्हाई दिस हैपेंस, कभी आपने सोचा है कि आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? अगर होता है तो क्यों ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ में? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कि व्हाई दिस हैपन टू फ्यू पीपल, कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, और कुछ लोगों के साथ वही सब कुछ वो भी कर रहे होते हैं बट दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. हाई एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक्ट. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी नीड टू डू टू अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट इन लाइफ. जो हम कर रहे हैं वो हम कैसे ईजीली उस गोल को अचीव करें. सो द कंसिस्टेंसी इज द ओनली की. कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. आपका कंसिस्टेंट होना हर एक चीज़ में इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, इट्स वे टू इम्पॉर्टेंट. गॉट इट? अगर आप जिम जाते हैं, आप जो अदर पर्सन आप देख रहे हैं जिसको, वो डेली जिम जा रहा है, राइट? दैट पर्सन गोज 6 days week और मे बी 7 days week. आप जाते हैं, एक दिन जाते हैं, दो दिन नहीं जाते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, फिर एक दिन की छुट्टी करते हैं. सो जब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप ये बताइए कि कैसे आपको वो चीज़ मिलेगी जो उसको पूरी रेगुलरिटी के साथ मिल रही है. करेक्ट? बिकॉज इट हैपन्स, जब भी आप कोई वर्कआउट करते हैं, कोई डाइट करते हैं या कोई भी प्लान फॉलो करते हैं, अगर आप उसमें रेगुलर नहीं हैं सो वो इरेगुलरिटी की वजह से आपको वही सेम सक्सेस कैसे मिल सकती है जो उस पर्सन को मिल रही है जो कि रेगुलर है. ठीक है, छोटे होते हमने एक स्टोरी सुनी थी कछुए और खरगोश की. तो उसमें होता क्या है, हम सबको पता है जो कछुआ था वो बहुत धीरे 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 फिनिश लाइन तक जा रहा था, और जो खरगोश था उसने सोचा कि ठीक है मैं तो बहुत फास्ट हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, और उसने बहुत जल्दी से भाग कर फिनिश लाइन तक पहुँचते पहुँचते वो थोड़ी देर पहले ही रुक गया. और उसने सोचा कि अभी तो कछुआ बहुत दूर है, मैं आराम से थोड़ा रेस्ट करता हूँ और उसके बाद में मैं चला जाऊँगा आगे, और फर्स्ट तो मुझे ही आना है, विन तो मैंने ही करना है. लेकिन कछुए ने तो ऐसा नहीं सोचा कि मैं भी रेस्ट कर लूँ. उसने सोचा जब तक सक्सेस नहीं मिलती, उस गोल तक नहीं पहुँच जाता, मैं तो धीरे धीरे ही चलूँ चाहे, लेकिन चलता रहूँगा. उसने कंपैरिजन भी नहीं किया कि कछुआ जो खरगोश है वो इतना तेज़ भागता है, जंप करता है, वो तो मुझसे फर्स्ट आ जाएगा. लेकिन उसने अपने ऊपर विश्वास रखा, धीरे 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 करते करते बिना रुके कंसिस्टेंटली वो फिनिश लाइन तक पहुँच गया, बिना देखे खरगोश को कि वो कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं. और जब खरगोश की नींद खुली तो पता चला कि रेस तो जो है वो कछुआ जीत गया है. सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ, इन एवरी गोल ऑफ योर लाइफ. अगर आप स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है जो क्लास में बहुत अच्छे स्कोर करता है, राइट? वो स्टूडेंट डेली बेसिस पे जो भी क्लास में कराया जाता है उस कोर्स को आकर रिवाइज करता है, फिर नेक्स्ट डे कुछ और आगे का कोर्स होता है उसको फिर से आके वो रिवाइज करता है, और वो डेली उस पढ़ाई को, उस कोर्स को रिवाइज करता है, रिवीजन करता है. एक स्टूडेंट है, जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं उससे 2 या 3 दिन पहले वो पढ़ना शुरू करता है, और वो पूरा कोर्स एक ही बार में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि उस टाइम पे कुछ रह भी जाता है, और जो एक बार पढ़ा फिर दूसरा पढ़ा वो पहले वाला निकल गया दिमाग से, तो ये होता है. तो कंसिस्टेंसी नहीं है. इसीलिए जब आप एक ही बार में सोचते हैं कि बस आज ही जो है बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ और फिर
नेक्स्ट जब आएगा तब देखा जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन द जिम. आप जिम गए, आप डेली नहीं जाते हैं, जिस दिन गए आपने 2 घंटा मार लिया और उसके बाद में आप 3 दिन आपने छुट्टी कर ली, तो कैसे वो कंसिस्टेंसी के बिना कैसे आपको सक्सेस मिलेगी, वो टारगेट वो गोल को कैसे हिट कर पाएंगे आप. तो इसीलिए हर एक जगह पे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आप कोई एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कुछ भी है, आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है. दैट्स इट. दिस इज द ओनली यू नो सीक्रेट और मे बी द अल्टीमेट ट्रूथ फॉर योर सक्सेस टू अचीव दैट गोल जो आप चाहते हैं. एक स्पोर्ट्स पर्सन जो रेस विन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, जिसकी कि कुछ मिनट्स की रेस होती है, राइट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, और उसके लिए उनको पूरे साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है. अगर वो भी इस तरह से सोचें कि जब आने वाला होगा कॉम्पिटिशन उससे 1 महीना पहले या 15 दिन पहले हम कर लेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो उसको विन कर पाएंगे? नहीं, उनको पूरा पूरा साल लग जाता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए. सो जस्ट गेट दैट कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ, इन योर रूटीन, इन योर वॉट एवर फील्ड यू आर वर्किंग फॉर, वॉट एवर गोल आर यू वर्किंग फॉर, प्लीज़ गेट दैट इन योर प्रैक्टिस, और आप देखेंगे कि कैसे और कितनी जल्दी आपको सक्सेस मिलती है. सो जस्ट स्टे मोटिवेटेड एवरी टाइम, बिकॉज इट्स नॉट फॉर एनीबडी एल्स, यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर सेल्फ ग्रोथ, फॉर जस्ट फॉर यू. ओके, सो जस्ट कीप इट इन माइंड, आपको किसी को दिखाना नहीं है, जो भी आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, पढ़ रहे हो अपने लिए, अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए, आप अगर जिम जा रहे हैं तो भी अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए, आप डाइट पे कोई प्लान फॉलो कर रहे हैं वो भी अपने अपने बेटरमेंट के लिए, आप बिजनेस में हैं तो भी आप अपने लाइफ में जो आप चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए कर रहे हैं. इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू आर डूइंग फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर करियर. सो प्लीज़ गेट दिस थिंग इन योर लाइफ, इन योर रूटीन, इन डिसिप्लिन, and you will see the success is at your feet. Got it? So thank you so much and have a very great day ahead.